रिगार्डिंग आपसे बात करने वाली है। सर, प्रोग्राम को शुरू करने के पहले मैं हमारी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारी संस्था एमके मेमोरियल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि 2007 में 28 बच्चों से शुरू हुई थी और वो बुरहानपुर शहर के छोटे से एरिया चिंचाला से एक ऐसी जगह से स्टार्ट हुई थी कि स्कूल नहीं थी, वो एक झोपड़ी थी जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की। उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आए, जिसमें हम लोग एबिलिटी बेस्ड एजुकेशन देना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग बच्चों की जो फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड के मास्टर से उनकी करियर गाइड करवाते हैं। जैसे अगर वो डिफेंस में जाना चाह रहे हैं तो कोई आर्मी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे उनकी मीट करवाते हैं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी मीट करवाते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बाहर से जो विजिटिंग पे आते हैं उनसे मीट करवाते हैं, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा सहयोग शासन और प्रशासन के डिपार्टमेंट से भी मिला। और हमारी छोटी सी संस्था होने के बाद भी हर बार हमने जब भी उनसे अनुरोध करा तो उन्होंने आके कोई ना कोई प्रोग्राम हमारी संस्था में करा, जिसका रिजल्ट ये रहा सर कि अभी हमारे 28 बच्चों का सफ़र हमारा 2800 बच्चों तक हो चुका है और बुरहानपुर शहर के चारों तरफ से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। सर, अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि CSP सर गौरव पाटिल सर का आप स्वागत करें। सर प्लीज़। मैं जैनब मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि SI मैडम सईदा शाह मैडम गणपति थाना से हैं, उनका आप स्वागत करें। मैं HR सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विनोद परियार सर का स्वागत करें। साइबर की टीम दुर्गेश पटेल सर का स्वागत सुमित सर करी। सत्यपाल सर का स्वागत HR सर। ललित सर का स्वागत सुमित सर। लोकेश सर का स्वागत HR सर। हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर CSP सर की टीम, मैं एक और बार बता देता हूँ कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हैं। CSP सर गौरव पाटिल सर, SI सईदा शाह मैम गणपति थाने से, विनोद परियार सर गणपति थाने से, साइबर सेल से दुर्गेश पटेल सर, सत्यपाल सर, ललित सर और लोकेश सर उपस्थित हैं, जो कि आपको आप आगे गाइड करेंगे और क्राइम अवेयरनेस, साइबर क्राइम अवेयरनेस और कैरियर गाइडलाइन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं CSP सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना कार्यक्रम। सभी को सबसे पहले गुड आफ्टरनून। ठीक, ये बच्चे जो जितने भी बैठे हैं ये किस क्लास के बच्चे हैं?
अच्छा सिक्स टू ट्वेल्थ है ओके ठीक ठीक है। आपका जो स्कूल मैनेजमेंट है काफ़ी समय से हमसे मुलाकात कर रहा था कि आप लोग हमारे स्कूल में आइए और बच्चे जितने भी हमारे यहाँ पर अध्ययनरत हैं उनको करियर काउंसलिंग और गाइडेंस ये आप थोड़ा सा करिए और मुझे अच्छा भी लगा अच्छा इस बात ठीक है। तो छठवीं से लेके बारहवीं तक ठीक है ट्वेल्थ में क्या क्या अपना स्ट्रीम है यहाँ पर मैथ्स बायो और कॉमर्स ठीक है। और सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न हो ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे नहीं प्रश्न पूछने की आदत अभी से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मुझे प्रश्न पूछना चाहिए ठीक है तो वो आप प्रश्न ज़रूर पूछिए। अच्छा ये बताइए अभी सभी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे बड़ा होके क्या बनना है आगे जाके क्या सभी के इसमें डिसाइडेड है। हम भी जब स्कूल में थे तो उस समय स्क्रैप बुक चला करती थी क्या चलती थी स्क्रैप बुक। अब पता नहीं आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं अब कम हो गया। पहले क्या होता था कि फ्रेंड्स सर्किल में एक दूसरे से अपने बारे में पूरा एक लेटर उसमें बहुत सारे उसमें कॉलम्स रहते थे नाम आपकी हॉबी क्या है आपको क्या बनना है ये लिखवाते थे हम भी ये भरते थे कोई फ्रेंड हमें दे देता था कि आप अपना ये भर के ताकि हम आगे जाके हम इसको मेमोरी ऐसा रख सकें। तो जब हमें कोई भरता था तो उसमें कॉलम रहता था कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं हम भी कुछ हम लिखते थे कि हमें साइंटिस्ट बनना है। हमारा तो बहुत सारा चेंज होता रहा कभी हमें CID में जाना है CID चलता था हम वो CID देखते थे CID में जाना है फिर लगता था यार कि साइंटिस्ट बनना है APJ अब्दुल कलाम को देख के लगता नहीं यार साइंटिस्ट बनना है कभी लगता यार नहीं बिजनेसमैन बनना है। तो ये सब चेंज होते रहे मगर आजकल पेरेंट्स भी और आप लोग ऐसा हो गया है एटमॉस्फेयर कि लोग फिक्स रहते हैं कि यार नहीं मुझे ये बनना है तो फिर उस पे उस बेसिस पे स्ट्रीम भी लेते हैं और फिर तैयारी भी करते हैं। अच्छा पुलिस में कितने लोगों को जाना है कम है चलो ठीक। कलेक्टर कितने लोगों को बनना है तो बाकी लोग इतने सारे लोग जो अभी बाहर जब भी हम जाते हैं पूछने तो बोलते हैं पुलिस में इतने सारे तादाद में जाना है IAS इतने सारे बनना है IPS बनना है डॉक्टर कितने लोगों को बनना है ठीक। खुद का बिजनेस कितने लोगों को स्टार्ट करना है ये तादाद ज्यादा है। अच्छा मतलब आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ठीक है आप खुद का स्टार्ट करना चाहते हो मतलब क्या जो हमारा चला आ रहा है पिताजी का बिजनेस वो उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अलग से अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अलग से स्टार्ट चलो ठीक। आप लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो मेरी एक बात हमेशा याद रखो हर फील्ड में अपने अपने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं चाहे वो पुलिस में हो IAS बनना है IPS बनना हो या फिर डॉक्टर बनना हो साइंटिस्ट बनना हो सभी जगह प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करिए ठीक है। जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए उनके बारे में कॉलम आते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं वो पढ़ो नॉवेल्स आती हैं किताबें पढ़ो वो कैसे रिएक्ट करते हैं कैसी बातें करते हैं आजकल तो यूट्यूब वगैरह सब कुछ है हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह इतनी सारी है डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखो। हम भी जब तैयारी करते थे तो हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन में शाह फैजल हैं 2009 बैच के टॉपर UPSC तो हम उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखते थे कि वो बात कैसे कर रहे हैं उनका पब्लिक में अपेरेंस कैसा है कैसी मेहनत कर रहे हैं
तो ये सब चीजें आप स्टार्ट करिए। और ऐसे लोगों से कोशिश करें कि मिलते भी रहें, ठीक है। जैसे आपकी जिसको पुलिस में जाना है तो आपको लगता है कि हमें थाने का विजिट करना है या ऑफिसर से मिलना है, तो वो स्टार्ट करिए आप लोग। मेरे ख्याल से इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते होंगे, प्रोजेक्ट्स है ना, विजिट वगैरह करवाते हैं अगर, ठीक है। हमारे यहाँ महिला थाना भी है, ठीक है। तो आप लोग वैसा स्टार्ट फॉलो करना, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। और जिसको ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ाई में ऐसा कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो अपने दिमाग दिल दिमाग से निकाल दें। लगता है ना यार मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आते हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा। आप लोग देखे होंगे कई बार एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, बच्चे पेपर अच्छा नहीं जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, होता है ना। चलो आज के बाद नहीं जाओगे, कैसे मैं बताता हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं CSP गौरव पाटिल। CSP सभी को पता है क्या होता है, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। पूरे जिले की जो पुलिसिंग रहती है उसको कमांड कौन करते हैं, SP। कौन करते हैं, SP साहब करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके क्षेत्र में थाने हैं ना, थाने को थाना प्रभारी हेड करता है। थाने का प्रभारी कौन होता है, थाना प्रभारी, जो कि 3 स्टार होते हैं। हमारे बुरहानपुर में, पूरे शहर में, पूरे एज अ होल डिस्ट्रिक्ट में 8 थाने हैं। कितने थाने हैं, 8, ठीक है। 8 थानों को 2 अनुभाग में डिवाइड किया है, 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया है। तो 4 थाने हो गए, 2 अनुभाग कौन से हैं, हमारे बुरहानपुर है और एक नेपानगर, जिसमें 4 थाने। अब एक थाने का एक थाना प्रभारी, और शहर में हमारे 4 थाने हैं, शिकारपुरा, कोतवाली, लालबाग और गणपति नगर, ठीक है। अब 4 थाना प्रभारी और इनके ऊपर फिर जो सुपरविजन करते हैं कौन करते हैं, वो CSP करते हैं, ठीक है। CSP का फुल फॉर्म है सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये हमें चार्ज होता है। हमारा मूल पद क्या होता है, हम DSP हैं, क्या हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब दूसरा अनुभाग जो है वो नेपानगर है, वहां पर क्या है, SDOP हैं, उनको क्या बोलते हैं, 4 थाने के ऊपर कौन सुपरविजन करता है, SDOP। तो 4 थाने के थाना प्रभारी हो गए। चूंकि वो रूरल में हैं, तो रूरल में DSP को अगर उनको मिलते हैं तो उनको बोला जाता है SDOP, सब डिविजनल ऑफिसर, पी मतलब पुलिस। ये समझ में आया, मूल पद क्या है, DSP, ठीक। फिर हमारे ऊपर एडिशनल SP रहते हैं जो मॉनिटर करते हैं पूरे जिले को। फिर उसके ऊपर कौन होता है, SP, जो पूरे जिले के ओवरऑल हेड होते हैं। फिर ऊपर हायरार्की बढ़ते जाती है, तो पूरे मतलब जो स्टेट है उसका मुखिया होता है DGP, ठीक। सबको क्लियर हुआ, ठीक। हम भी जब तैयारी करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का था। ये कौन सा CBSE है, इंग्लिश मीडियम है ना, ठीक। हम थे हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम में भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अच्छा ये बताओ, 5th स्टैंडर्ड में 60 से ऊपर कितने परसेंट बने, 5th स्टैंडर्ड में 60 से ऊपर परसेंटेज कितने लोगों के बने, 5th स्टैंडर्ड में लगभग सभी के, मैक्सिमम लोगों के। हमारे 5th स्टैंडर्ड में जो परसेंटेज थे वो है 58.6। हम पढ़ने में बहुत ही, और हमारा गांव का परिवेश यह था कि हमारे गांव में मात्र 5वीं तक स्कूल था। अभी भी थोड़ा बढ़ गया है, 8वीं तक हुआ है अभी भी। फिर 5th के बाद हमने थोड़ा पुश करना स्टार्ट किया, 6th भी ऐसे ही गया, 7th भी ऐसे ही चला गया हमारा। फिर आई 8th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड हमने किया छत्तीसगढ़ से, वो भी हिंदी मीडियम, सरस्वती शिशु मंदिर था बस्तर में।
अब क्या हुआ कि वहाँ हमने देखा कि हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे कि यार अगर ये लड़का जो है इतनी प्रॉपर ड्रेस पहन के आ रहा है स्कूल में, साफ़ सुथरी उसकी ड्रेस है, जूते उसके प्रॉपर है, नीट एंड टाइडी है, होमवर्क प्रॉपर करता है, और वो कर कैसे पाता है, फिर डिफरेंस तो है नहीं, हम में और उनमें क्या डिफरेंस है, हो सकता है मेहनत का फ़र्क हो। तो हमने फिर हमारी संगत अच्छे लोगों के साथ स्टार्ट की कि और उनको देखना स्टार्ट किया कि वो कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स को देखना स्टार्ट किया, तो हमारे अच्छे परसेंट आए फिर एट्थ में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वापस हम एमपी आ गए। फिर जब वापस हम एमपी आए तो हमारी फैमिली ने हमें सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एट्थ में अच्छे परसेंटेज आ गए हैं तो इनका मीडियम चेंज किया जाए, तो उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। तो हमने एडमिशन हमारा हो गया इंग्लिश मीडियम में। जब इंग्लिश मीडियम में हमारा एडमिशन हुआ तो हम फर्स्ट डे था हमारा स्कूल में और वहाँ पूरी पढ़ाई जो थी इंग्लिश में चल रही थी और हमें तो पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार क्या लिखा जा रहा है ब्लैक बोर्ड में, टीचर्स भी इंग्लिश में बात कर रहे थे, बिल्कुल समझ में नहीं आया। टीचर हमारे पास आए, फर्स्ट डे था, आपकी किताबें कहाँ, उन्होंने पूछा, मैंने बोला सर किताबें मैं लेने वाला हूँ आप मुझे बता दीजिए, तो उन्होंने बताया कि आप इस स्टैंडर्ड की किताबें ले आए। तो मैं स्टेशनरी गया, स्टेशनरी में मैंने बोला कि आप मुझे किताबें दे दो नाइन्थ स्टैंडर्ड की इंग्लिश मीडियम। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि इंग्लिश मीडियम में दो मीडियम होते हैं, एक होता है एमपी और दूसरा सीबीएसई, आईसीएसई तो बहुत कम जगह पे होता है और भी होता है अगर एमपी बोर्ड जनरली सीबीएसई। तो हम एमपी बोर्ड की किताबें उठा ले आए, ठीक है, और जब स्कूल में दिया तो लोग बच्चे साथ वाले हंसने लगे, ये तो स्कूल सीबीएसई है आप क्या उठा लिया है, हमें मतलब ये भी नहीं पता था कि एमपी बोर्ड है या सीबीएसई। फिर हमने घर पे बताया कि कुछ समय बीता, एक दो महीने बीते, घर पे बताया कि हमें तो नहीं हो पाएगा हमसे इंग्लिश मीडियम, क्या है बहुत टफ पड़ता है हमें, एक तो बातें समझ में नहीं आती टीचर्स की, हमारी राइटिंग ठीक नहीं है, एक बार तो टीचर ने हमारी कॉपी फेंक दिया, अब वो गोला लगा लगा के जो होता ना कॉपी चेक होती है कि आपकी स्पेलिंग ये मिस्टेक है, अब वो तो उन्होंने इतना गोला लगाया कि वो समझ में नहीं आ रहा था हमारा राइट कौन सा है। तो हम और भी हमें फिर दिक्कत हुई कि यार हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्यों। फिर हमने फैमिली को बोला कि आप तो हमारा एडमिशन करवा दो वापस कहाँ हिंदी मीडियम में, जैसे तैसे पास तो होंगे। फिर हमारे पिताजी ने बोला कि नहीं आप कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आप फेल होंगे, जब फेल हो जाएंगे फिर अपन वापस हिंदी मीडियम में आ जाएंगे, आप थोड़ा कोशिश तो करो। हमारे साथ कुछ बच्चे आए थे जो हिंदी मीडियम से भी थे, हमने फिर इधर उधर कुछ कोचिंग्स वगैरह लगाई, ट्यूशन्स वगैरह लगाए, फिर मेहनत करना स्टार्ट किया। अब मेहनत तो हमने अपने तरफ से पूरा किया, जब रिज़ल्ट आया तो हम नाइन्थ फेल हो गए। क्या हो गए? नाइन्थ फेल हो गए। ठीक है, हुआ ये था कि एक सब्जेक्ट में हमें फेल कर दिया गया था, मगर उस स्कूल की ये पॉलिसी थी, तीन चीज़ें होती थी, एक तो होता था फेल, एक होता था पास, और दूसरा होता था, तीसरा ऑप्शन था प्रमोट। प्रमोट मतलब ये होता था कि अगर उनको लगता था कि थोड़ी गुंजाइश है, बच्चे ने मेहनत किया है और वो बॉर्डर लाइन पे है तो प्रमोट कर देते थे। तो एक टीचर थे जो पूरा ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, उन्होंने फिर हमें प्रमोट किया, तो हमारा एक साल बच गया। तो फिर घर पे हमारी बात हुई, मैंने बोला यार टफ तो है सीबीएसई, हमने कहा हम तो एमपी बोर्ड भी नहीं गए, हम तो सीधे डायरेक्ट सीबीएसई पहुंच गए, हमें तो टफ तो लग रहा है। फिर हुआ ये कि
प्रमोट तो हो गए। फिर हमारे फैमिली में बातें हुई कि नहीं आप फिर से कोशिश करो, जब पूरा आप जब रुक जाओगे तो फिर अपन वापस हिंदी मीडियम में आ जाएंगे। फिर हमने तैयारी की। अब ये जो हमें पुश मिला था कि यार नहीं हम मतलब बाकी सब्जेक्ट में हमने अच्छी मेहनत की, टीचर्स भी देखते थे कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमने इतना मेहनत किया कि टेंथ में हमारे फर्स्ट डिवीजन आ गया 67.2। हमारे लिए बड़ी बात थी, वो आज के हल्के बच्चे तो 80 से नीचे आते नहीं है, 90 से नीचे आते नहीं है, ठीक है। फिर हमने मेहनत स्टार्ट किया और मात्र 4 साल के अंदर जब हम 9th फेल हो गए, हमने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि 12th में आते आते तक उस समय बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर का अवार्ड भी लिया और IIT भी क्रैक किया EML में, पूरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 1711 सेल्फ स्टडीज। IIT EML उस समय एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट चलती थी, हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी कर लिया था हमने। ठीक है, अब ये बताइए हमारे परसेंटेज तो मेरे ख्याल से आप लोगों से ज्यादा ही होंगे, मतलब हमारे तो कम ही है, आप लोगों से ज्यादा ही होंगे और आप लोग हमसे बहुत अच्छी पोजीशन में। फिर उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर कॉलेज गए, कॉलेज में हमारा डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट है 80% मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद हम पढ़ाई करते गए, हमने अपनी राइटिंग भी सुधारी, हमने अपने आप को भी सुधारा कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ रहना है। संगत बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स आपका सर्किल कैसे होना चाहिए। हमें लगा कि यार ये जो फ्रेंड है हमारा, ये इसका बिहेवियर ठीक नहीं है या गलत संगत में है, हमने उसका साथ छोड़ दिया। ये होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप जो बनना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, आप उसको देखो, उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी की और वो भी हमने इंग्लिश मीडियम में ही दिया है और वो सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के, कोई कोचिंग नहीं लगाया हमने, मात्र हमने इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दिया है और ये हमारी पहली जॉब नहीं है, ये हमारी तीसरी जॉब है। कुछ लग रहा है आपको करने के लिए? अब तो आप अपने आप को बेटर पोजीशन में मान रहे हो ना। कभी भी ऐसा एग्जामिनेशन में लगता है कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है, करोगे? पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर आते हैं सभी के यहाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो कि किसी अधिकारी ने कोई काम किया है तो एक दो दिन तक वो काम के बारे में आते रहता है, उसका फॉलो अप लो, ठीक है। और अच्छी चीज़ें पढ़ो, आजकल यूट्यूब है, नेट है, नेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो आप लोग। इंटरनेट का जनरली क्या होता है, बहुत मिसयूज़ होता है। आजकल की जो जनरेशन, अमीर अभी साइबर टीम भी है, अभी मैडम भी आपको कुछ चीज़ें बताएगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके, तो ये आजकल का जो माहौल चल रहा है इसमें बिगड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप उसका अच्छा इस्तेमाल करोगे टेक्नोलॉजी का, तो मेरे ख्याल से आपको वो इतनी सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये होता था कि कोई डाउट होता था तो हम टीचर से पूछते थे या किसी और से पूछने में बड़ा दिक्कत होता था, आजकल तो नेट में हर कुछ आपका सॉल्यूशन है। आप नेट में अच्छी चीज़ें देखो, सर्च करो, सोशल मीडिया से दूर रहो। हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया था जब हम तैयारी कर रहे थे, ऑल्दो उस समय भी सोशल मीडिया आ गया था। हम जब सर्विस में आए उसके बाद हमने स्टार्ट किया और अभी भी ऐसा नहीं कि हमारा अकाउंट ओपन वगैरह है, प्राइवेट करके रखते हैं हम अपना अकाउंट। आपनी आपकी जो निजी ज़िंदगी है किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करो, जो आपके क्लोज हैं, जो आपको जानते हैं
सिर्फ उस तक ही सीमित रखो, बाकी आपका जो काम है वो पब्लिक में आना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके बुरहानपुर में ही ऐसे हुए हैं जहां बच्चे इस कुछ एप्लीकेशन ऐसे ही थी जिसको मॉर्फ इमेज करके ये करके वो करके उसमें फिर FIR वगैरह भी हुई है बच्चों के ऊपर। और FIR होना और आपराधिक किसी संगत में रहना, ये अपराध करना, ये बड़ा दिक्कत की बात है। आप ये मान के चलिए कि एक FIR आपके विरुद्ध हुआ तो आपका करियर ख़त्म, क्योंकि किसी भी जॉब में आप जाओगे वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पुलिस वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब आप किसी सर्विस में जाओगे तो पुलिस के तरफ से आपका डिपार्टमेंट वेरीफाई कराता है कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध है कि नहीं। तो तब अगर आपका लिख के आ गया कि आपके विरुद्ध ये अपराध पंजीबद्ध है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे UPSC क्रैक कर लो, चाहे MPPSC क्रैक कर लो, या आप कहीं चले जाओ। और आजकल प्राइवेट में भी ये मांगने लगे हैं कैरेक्टर वेरिफिकेशन, अगर किसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है तो। इसीलिए झगड़ों से दूर रहें, पढ़ने लिखने वाले जितने भी बच्चे हैं, जहाँ भी आपको लगता है ना कि झुंड हो जाता है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि वो नाम आ जाता है कि आप भी वहाँ शामिल थे, आता है कि नहीं, तो ये सब चीज़ों से आप लोग दूर रहें। और मैंने जैसे बताया कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा एक्ट करना अभी से स्टार्ट करें। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो वैसा आप रहना स्टार्ट करें, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, हम तो ये कि सुबह से शाम कर दें, हम पर बताने के लिए इतना सारा है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा भी, हम लोग भी NGO चलता है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये ऐसे सेशन बहुत सारे लेते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, मैं माइक मैडम को देने से पहले, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछो। साइबर लॉ क्या है? ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभी साइबर का अभी आपको कुछ चीजें बताएंगे, है ना। साइबर लॉ बेसिकली साइबर से संबंधित जितने भी हमारे क्राइम्स हैं, ठीक है, साइबर से रिलेटेड जितने भी एथिक्स हैं, एथिक्स मतलब कि किस तरह साइबर का इस्तेमाल, नेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब चीज़ों का कैसे इस्तेमाल होना है, इनके अपराध से संबंधित क्या पैनल कोड, पैनल मतलब क्या इनके लिए धाराएं बनी हैं, क्या विधियां बनी हैं, विधियां कानून बने हैं, ये सब साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ इंडिया में अभी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है सन 2000 का, इसमें जितने भी साइबर क्राइम्स हैं इस कानून के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये अधिनियम है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी अधिनियम हो गए, जितनी भी पॉलिसीज हो गई, जितने भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा जारी दिशा निर्देश हो गए, ये सब साइबर लॉज में आता है, रेगुलेशंस में आते हैं, ठीक है। अभी साइबर के बारे में और भी बताएंगे आपको। और सर, धारे एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से हम आती हुई अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं, तो हम उसको कैसे भगा सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसे क्रैक कर सके? क्या क्या था डर? किस चीज का डर? सर, जैसे कि स्टेज पर आओ तो डर लगता है किसी भी चीज को करने से, मतलब कि कोई चीज सामने आ जाती है तो हम उससे पहले ही देख के उसे घबरा जाते हैं, कोशिश भी नहीं कर पाते, तो उस चीज को कैसे दूर करें कि हम वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके? देखो क्या होता है कि जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, चलो आओ स्टेज पे, आओ आ जाओ स्टेज पे, आओ
आप आपका नाम बताओ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपना नाम बताइए, मम्मी पापा का नाम बताइए, कितने भाई बहन हैं ये बताइए, किस क्लास में हैं आप ये बताइए, और आपको क्या बनना है सिर्फ इतना बताइए। सभी को बताइए, उस तरफ वहाँ आगे चले जाओ, पोडियम पे जाओ। अब मेरा नाम ये बताओ। माय नेम इज़ रोहन सेदाने, माय फादर नेम इज़ संतोष सेदाने एंड माय मदर नेम इज़ वैशाली सेदाने एंड आई हैव वन ब्रदर वी हिज नेम इज़ हरीश सेदाने एंड I want to do the preparation of JEE and for the UPSC also. आप किस डर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब कि हम कई बार कुछ क्या होता है कि जैसे कि यहाँ में कोशिश जैसे बड़ा मंच आ जाते तो वहाँ थोड़ा घबरा जाते, नर्वस हो जाते हैं। ये मान के चलो कि यहाँ पर 20,000 की पब्लिक बैठी है, बड़ा मंच क्या होता है? नहीं सर, जैसे कि मतलब कोई भी चीज आ जाती तो उसे घबरा जाते हैं, जैसे कि घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे कोशिश करो। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छे स्पीकर हो गए हैं। जो भी आपके आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, ये तो आपका स्तर बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब पब्लिक अपेरेंस में भी डरते हैं, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, और हर चीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए। पार्टिसिपेशन हर चीज में होना चाहिए। कोई भी आपका स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगर यहाँ पर हो रही है स्कूल लेवल पे, उस पर करो। क्विज कंपटीशन हो रहा है उस पर करो। NTSC होती है, ओलंपियड्स होते हैं, जाते हो आप लोग? जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप NTSC होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, ओलंपियड्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। तो आप लोग ऐसे चीज़ों को नेट पे भी सर्च करो, ठीक है। आप नेट पे सर्च करो कि कहाँ कहाँ हमारे लिए ऐसे ऑप्शन है, क्विज कॉम्पिटिशन है जहाँ हम अपेयर हो सकते हैं। ये सब करेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा आप लोग। और हर चीज़ में एक्टिविटी आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जो भी आपको करना है, काम मगर अच्छा होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, ठीक। बताओ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, बहुत साइबर के प्रश्न हैं, तो मैं सबसे पहले तो दुर्गेश, हमारे यहाँ पर SP ऑफिस में एक हमारी अलग से ब्रांच है जिसको साइबर सेल ब्रांच बोला जाता है, उसमें दुर्गेश ये प्रभारी हैं उसके, जो हमारी टीम आई साइबर की बाजू में बैठे हैं। ये जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं आपके बुरहानपुर में कौन देखता है? यही मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर कभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है साइबर से रिलेटेड, SP ऑफिस में हमारी ब्रांच है, वहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मगर कंप्लेंट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे, वो आपको फॉलो करना है। देखो, मैंने जैसे बताया कि आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में स्काउट गाइड था, हम स्काउट गाइड में शामिल हो गए कि हमें नई चीज़ें सीखनी और हमारी डिसिप्लिन आना चाहिए अंदर। जब कॉलेज में भी गए तो कॉलेज में हमने सिर्फ एकेडमिक्स तक हम सीमित नहीं रहे, फिर हमने वहाँ जाके NCC ज्वाइन कर लिया। NCC में भी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एकदम न्यूट्रल थे, हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े कैंप होते हैं, उस पर भी पार्टिसिपेट किया। तो एक यूनिफॉर्म का हमेशा था कि नहीं यार, जाना है सर्विसेज में। इससे पहले मेरी जो जॉब थी वो तहसीलदार की जॉब थी, इससे पहले मैं तहसीलदार था, उससे भी पहले महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी था। तो ये सब छोड़ के फिर हमें लगा कि यार चलो, यूनिफॉर्म पोस्ट अच्छी है, हमें सुटेबल है हमारे लिए, तो फिर हमने ये ज्वाइन कर लिया। एज अ पुलिस में नहीं सोचा था, मगर एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पुलिस भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट ही करना है। तो जब पुलिस हमें मिल गया, पोस्ट मिल गया, तो अब इसमें हम खुश हैं, ठीक है। सर, आपके दो बारे
आपको इंस्पिरेशन मिले क्या बोल रहे मैसेज? अच्छा आपके लिए मैसेज देना है, इंस्पिरेशन मिली के लिए तो मैंने आपको तो अभी वही तो लेक्चर दिया पूरा, ठीक है। इंस्पिरेशन के लिए आप इंस्पिरेशन कोई भी हो, जैसे मेरे लिए मेरे फादर इंस्पिरेशन है, ठीक है। आप जो मैसेज की बात कर रहे हो तो इंस्पिरेशन आप कहीं इधर उधर मत ढूंढो, आपके आसपास ही है इंस्पिरेशन। हमारे फादर जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इकोनॉमिक्स में, मध्य प्रदेश और उस समय छत्तीसगढ़ ज्वाइंट था वो। उनकी राइटिंग कैसी है? उनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, तो हम कॉपी करते थे, अभी भी हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं। भले ही हम ऑफिसर बन गए मगर अभी भी हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हो सकता है कि आपके फादर ही आपके इंस्पिरेशन हो, मदर आपकी इंस्पिरेशन हो। और मैंने यही बोला कि आप लोग जैसा बनना चाहते हैं वैसा एक्ट करना स्टार्ट करिए, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए। यही मेरा एक मैसेज है आपको। पुशअप हमने बताया ना कि हमें एक मोटिवेटिंग लगा कि हम एक बार प्रमोट हो चुके हैं, हमने बाकी एकेडमिक्स में भी मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा किया है, एक सब्जेक्ट में हम फेल हो गए, ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत डिस्टिंक्शन आ गया हो, ऐसा तो था नहीं, मगर हमें लगा कि हम हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहो इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। आप चिंता छोड़ दो कि आगे क्या होगा, बस मेहनत करते रहो, मैं करते रहो और अच्छे लोगों के साथ रहो। देखो हर आपको इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ये क्राइम किया है, सबसे पहले तो आप जो बता रहा है जो भी आपका एक्स वाई जेड जो भी आपको बोल रहा है कि आपने ये क्राइम किया है, तो आप तो नेट है आपके पास, सबसे पहले नेट पे आप सर्च कर लो, ठीक है। आपको लगता है कि यार वो बातें समझ में नहीं आई जो नेट पे, या उसने जो बोला उसने समझ में नहीं आए, आप बेझिझक आपके पास में जो थाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ पे आप जाके डे ऑफिसर होते हैं, डे ऑफिसर मतलब कि 24 घंटे कोई ना कोई एक ऑफिसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पर आप उनसे बात करो और उनसे पूछो कि ये इस तरह से हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि गलत है, जबकि हम वहाँ पर थे ही नहीं, या फॉल्स एलिगेशन है, उस संबंध में आप उनसे चर्चा करो और उनको चीज़ें बताओ, वो क्लियर कर देंगे आप, ठीक है। एक काम करते हैं, प्रश्न मेरे ख्याल से सबके मन में है, एक बार साइबर का जो कि इम्पोर्टेंट है, साइबर का हम बता दें क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये साइबर का पहले कर लें, फिर उसके बाद जितने भी प्रश्न इकट्ठे हम लास्ट में कर लेंगे। वहाँ से यहीं से सभी के मन में साइबर को जानने की बहुत लालसा दिख रही है मुझे, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मोबाइल नहीं यूज़ करता, इसका मतलब तो यही होता है। सभी के पास मोबाइल है क्या अभी? यहाँ स्कूल में अलाउ है मोबाइल? घर पर तो चलाते होंगे। सभी के पर्सनल मोबाइल है क्या? मम्मी पापा के मोबाइल चलाते हैं। सभी लोग गेमिंग भी खेलते होंगे, सोशल मीडिया चलाते ही होंगे, सभी चलाते हैं, सभी चलाते हैं। तो जैसा अभी सर ने बताया बैठा है उसके साथ खेलना मस्ती करना या बात करना या ये सब भूल चुके हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये सब वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अपने एक अलग फ़ायदे हैं। सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है, उसका कोई यूज़ भी नहीं है, ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको अगर पढ़ना ही है सर्फ ही करना है तो अच्छी चीज़ें सर्च कीजिए, जैसे कि अभी सर ने बताया उसका सही उपयोग कीजिए। साइबर लॉ अभी किसी ने पूछा था, साइबर लॉ का मतलब ये है कि साइबर से संबंधित सारे कानून। एक्चुअल में साइबर क्या है? ये जो नेटवर्क पूरा सेटअप है जो वर्चुअल चलता है, जो कॉलिंग करते हैं, जो सर्फिंग करते हैं, ये एक्चुअल में पूरा साइबर वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है। बहुत सी चीज़ें होती है जो ऊपर ऊपर हमें दिखाई देती है, ठीक है, कुछ सारी चीज़ें होती है जो हिडन होती हैं। तो ये जो हम सब सर्फ करते हैं सर्च करते हैं ये सारी साइबर के अंतर्गत आता है। साइबर को कैटेगराइज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो साइबर लॉ कहलाते हैं।
उन लॉ को, जैसे सर ने बताया, उन लॉ को एक्ट कहते हैं, अधिनियम। हमारे यहाँ इंडिया में जो अधिनियम होता है, अगर कोई व्यक्ति साइबर के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जो भी कार्रवाई होती है वो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सन 2000 में बना है, इसलिए उसका पूरा नाम यह है, इसके तहत कार्रवाई होती है। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं या फिर हमारे जो भी कानून बने हैं, किसी को अब्यूज़ करना भी एक नियम का उल्लंघन है, तो अगर आप उन कानूनों को तोड़ते हैं और साइबर के दायरे में रह करके उन कानून को तोड़ते हैं, तो साइबर लॉ के तहत, साइबर अधिनियमों के तहत तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होती है। अब मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया को यूज़ करना जितना आसान है, इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो उतने ही बुरे हैं। अगर आपने उसको गलत तरीके से यूज़ किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है, और उससे किसी कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में डिजिटल एविडेंस होते हैं, ये झुठलाए नहीं जा सकते। आदमी झूठ बोल सकता है, मशीनें झूठ नहीं बोलती, या डेटा झूठ नहीं बोलता। ठीक, तो आप सब लोग ऑनलाइन गेमिंग कौन कौन करते हैं, गेम खेलते हैं? दो प्रकार से गेम खेलते हैं, एक तो हम ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और खेलते हैं। मान लीजिए आपने चेस इंस्टॉल किया और खेला, ये तो आपके लिए अच्छा है कि आप अपनी चेस की स्किल को डेवलप कर रहे हैं गेम के माध्यम से। लेकिन कुछ गेम होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, हम ऑनलाइन खेलते हैं और उसमें बीटिंग भी करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो ये पैसे लगाने वाला गेम, पहली बात तो आपको घर में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको फाइनेंशियली अथॉरिटी है कि आप मम्मी पापा के मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, है क्या कोई? कोई अलग से इनकम है क्या आप लोगों की? पेमेंट अथॉरिटी है क्या, पेमेंट करने की अथॉरिटी? तो फिर आप मम्मी पापा के मोबाइल से अगर गेम खेलोगे और किसी ने अगर हैक किया उस फ़ोन को या उस गेम के थ्रू उनका अकाउंट हैक किया, तो पैसा किसका जाएगा? मम्मी पापा का पैसा जाएगा, क्योंकि आप पूरे नियम नहीं जानते हो, सारी चीज़ें नहीं जानते, ना ही आप इतने एजुकेटेड हो कि आप उस गेम को समझ सको कि उस गेम में क्या है। तो पहले पढ़ें, समझें, चीज़ें समझोगे, ज़्यादा स्टडी करोगे, तभी उसके बारे में आप समझ पाओगे। जब बड़े हो जाओगे, जब आप खुद जॉब करने लगोगे या अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करोगे, आपके हाथ में अपना खुद का मोबाइल होगा, तब आप सारी चीज़ों से अवेयर हो जाओगे, तब करिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें करना वेस्ट है। कुछ की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, चूँकि आप सभी यूज़ तो करते ही हैं। ऐसा है कि सभी के घर की कंडीशन अलग अलग होती है, कुछ लोग बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं तो हो सकता है सभी के इंडिविजुअल मोबाइल भी हो, कुछ लोग लो प्रोफाइल होते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती। तो जैसा अभी एक लड़के ने पूछा था कि लॉटरी लगी और हमने OTP दे दिया, तो पहले तो आप समझिए कि लॉटरी क्यों लगी। क्या आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा जो लग जाएगी? हैं, ऐसे ही लग जाएगी लॉटरी? आप मूवी नहीं देख सकते बिना टिकट के, लॉटरी कहाँ से लग जाएगी? तो ऐसा है कि लॉटरी, कोई भी कॉल या मैसेज आता है, उसका फैक्ट को चेक कीजिए। अगर कोई नंबर से फ़ोन आया है, आप देखिए कि ये नंबर मेरा परिचित तो है ही नहीं, फिर इसको कैसे पता मेरे बारे में? तो जितना आप उस चीज़ को क्वेरी करेंगे, आप उसको समझेंगे, उससे बातें करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये फर्जी है और आप उसके जाल में फंसने से बच जाएंगे। सिर्फ लॉटरी की बात नहीं है, ऐसा भी कॉल आ सकता है कि मैं वर्दी में बैठा हूँ और आपको वीडियो कॉल करूँगा, मैं ड्रेस में हूँ पुलिस के और वीडियो कॉल करूँगा कि तुमको अरेस्ट किया जाता है, तुमने ऐसी ऐसी एक्टिविटी की है, या तुम्हारे बैग में, या तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल आ गया कि आपके बच्चे को हमने यहाँ थाने में बिठा रखा है, इसके बैग से ड्रग्स निकले हैं, या ये संलिप्त पाए गए हैं किसी गतिविधियों में। तो ऐसी स्थिति में आपको सारे फैक्ट चेक करने हैं, क्या वो व्यक्ति जेन्युइनली कॉल कर रहा है? व्हाट्सएप कॉल क्यों करेगा कोई भी व्यक्ति? अगर जेन्युइनली कॉल करना है तो व्हाट्सएप पे क्यों करेगा, थाने के लैंडलाइन से करेगा? और ऐसे फ़ोन करके थोड़ी बताएगा कि हमने अरेस्ट कराया। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप चेक कीजिए। सोशल मीडिया चला रहे हैं तो पहले पढ़िए उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को। हम लोग कई बार उसकी सेटिंग भी नहीं चेक करते, अलाव अलाव करके इंस्टॉल कर देते हैं एप्लीकेशन को। पता चल रहा है सिर्फ हम गेम खेलने वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट के भी एक्सेस ले रहे हैं। हमारे जितने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मम्मी पापा के जो जो भी जहाँ जहाँ पर भी सेव है,
फ़ोटोज़ का एक्सेस बहुत ही घातक होता है, जो हमारे मीडिया है, हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, सभी लोग मुझे पता है, सभी मोबाइल चलाते हैं, सबको पता है प्ले स्टोर से मोबाइल पे से एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उसकी जब उसकी प्राइवेसी सेटिंग में देखिए, आप जब वो अलाउ का ऑप्शन आता है तो उसको पढ़िए कि वो क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके सारे फ़ोटोज़ ले ले और उसके बाद उसको उल्टे सीधे एडिट करके आपके रिश्तेदारों को शेयर करें, वहाँ आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पसीना आ जाएगा कि आप क्या करोगे। तो ऐसी चीज़ें करने से बचें आप। कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है हमारे इसमें, कोई अगर अरेस्टिंग होती है तो उसका प्रॉपर एक प्रावधान होता है। और आप इस चीज़ को देखिए कि हमने अगर कोई क्राइम नहीं किया है तो हम अपने माँ बाप को बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे, अपने टीचर्स को बताएंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अगर जानते हैं, समझते हैं, थाने जाने आने में कोई समस्या नहीं, तो बिल्कुल बेझिझक होकर के थाने पर कोई भी व्यक्ति अवेलेबल है उससे पूछेंगे, तो आप उस फ्रॉड के शिकार होने से बच जाएंगे। इवन आप डायल 100 भी खड़ी और वहाँ उससे भी पूछ लेंगे कि मुझे ऐसा कॉल आ रहा है, तो वो भी आपको सही राय दे देंगे, बशर्ते आपको बताना होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक। और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मोबाइल का एक्सेस मिलेगा, एक समय आएगा कि आप खुद बोलोगे कि ये कहाँ मिल गया मोबाइल। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1930, दोनों बैनर पे लिखा है। यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर है। किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड संबंधी कॉल आता है या आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है तो इस पर आपको कंप्लेंट करनी है। अगर हो भी चुका है तो भी इस नंबर पर शिकायत करनी है। अगर इस नंबर पर बिजी आता है तो ऊपर पोर्टल भी दे रखा है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो नज़दीकी थाने पर भी हमारे ट्रेंड हमारे बंदे हैं, सभी साइबर सेल से प्रशिक्षित है, आप वहाँ पर भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी साइबर सेल SP ऑफिस में है 49 नंबर, वहाँ भी आकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मौका ऐसा नहीं हो कि हमको कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़े, आप खुद इस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए कि जो कॉल आया है, जो मैसेज आया है, बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं। अननोन नंबर से बात नहीं करनी है, अननोन लोगों को फॉलो नहीं करना है, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, जब हम जानते ही नहीं हैं तो क्या ज़रूरत है। यहाँ पर है ना 2800 लोग बात करने के लिए और आपके आस पड़ोस में भी, तो अगर हम नहीं जानते हैं तो उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप करते हैं तो फिर आप फंसेंगे और फंसेंगे तो फिर इन सारी चीज़ों में नुकसान आपका ही है। अगर व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते हैं पहले उसकी प्राइवेसी सेटिंग पढ़िए, समझिए, ज़रूरत हो तो यूज़ कीजिए, नहीं ज़रूरत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने बताया, हर एक्टिविटी में भाग लीजिए, जितना आप एक्टिविटी में भाग लोगे, जो डर वाली बात है ना उसी से सॉल्व, जितना ज़्यादा आप आगे होकर के हर एक्टिविटी में भाग लोगे तो आपका डर निकलता चला जाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है ना पानी से डर रहा है, अगर डरता रहेगा तो डरता ही रहेगा, जब तक वो पानी में उतरेगा नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगा मुझे कैसे तैरना। किसी के क्वेश्चन है? गेमिंग से बिल्कुल दूर रहिए, गेमिंग तो करना ही नहीं हमको, ऑनलाइन बैटिंग गेमिंग ऐसा कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक। बताइए। हाँ बेटा क्या प्रश्न है बताओ। ऐसा नहीं होता है, हम भी आपके जैसे थे ना, जब आपके जितने बड़े, आप किस क्लास में हो? 6th में हो ना? हम भी जब 6th में थे तो हमको भी डर लगता था पुलिस से, अरे वो पुलिस थाने पे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न आते थे हमारे दिमाग में कि अगर कोई झगड़ा हो गया, किसी ने एलिगेशन लगा दिया, वो पहले पहुँच गया तो वो पहले रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी थाने होते हैं पहले हम कोशिश ये करते हैं कि वास्तविकता का पता लगाएं, कि ऐसे में तो यार हमारे इतने सारे अपराध बढ़ जाएंगे कि पूछो मत, है क्या नहीं? थाने पे आप चले गए, फिर उनके वो भी आ गए, आपके जिसने एलिगेशन लगाया है, दोनों के खिलाफ FIR हो जाएगी, अपराध हो जाएगा पंजीबद्ध, तो ऐसे में तो कितने सारे एलिगेशन लगते रहते हैं, लगते कि नहीं? मगर उसकी सत्यता हम कोशिश करते हैं कि पहले पता करें,
कितना गंभीर विषय है, उसके बाद फिर हम उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। वैसे डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई बोल रहा है कि आपने ये किया वो किया, जब हमने किया ही नहीं क्यों डरे। यही हमारे साइबर में भी है, कई बार हमारे पास कॉल आते हैं और वो डराते हैं कि आपने ये अपराध किया है। ये आपने किसी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है? सुना है नहीं सुना? ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं साइबर को लेके। अभी दुर्गेश ने बताया बहुत सारी चीज़ें साइबर में, एक अभी नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं और आप लोग ये देखिए, जितने भी कुरिकुलम है हमारे, जितना केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह एक सब्जेक्ट है ना, आने वाले समय में 101% एक सब्जेक्ट होगा साइबर। आपका वो एकेडमिक्स का पार्ट होगा। सभी चीज़ें आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? सुना है ना, ये साइबर से रिलेटेड चीज़ें बहुत होनी है। अब हमारे शहर में मैंने बताया था 8 थाने हैं, 8 थाने के अलावा 2 थाने और हैं। एक थाना ऐसा है जो महिला थाना कहलाता है। क्या है वो थाना? इसलिए है, अगर महिलाओं को लगता है कि हम नॉर्मल थाने में हमनी कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो महिला थाने में जा सकते हैं, जिसकी प्रभारी भी महिला अधिकारी ही होती है और पूरा स्टाफ महिला अधिकारी का होता है। किसी को पता है महिला थाना कहां पर है यहां पर? चलो जिसको नहीं पता और जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, महिला थाना हमारा ट्रैफिक थाना देखा आपने, एसपी ऑफिस के बाजू में हॉस्पिटल देखा है सभी ने, हॉस्पिटल की रोड आप आगे जाओगे तो आपका ट्रैफिक थाना है और ट्रैफिक थाने के जस्ट पीछे महिला थाना है। केंद्रीय विद्यालय देखा है सभी ने? बस केंद्रीय विद्यालय के पास में ही महिला थाना है, ठीक है, इनका एक बार विजिट करवा देंगे महिला थाने में। SC ST के जो बच्चे या व्यक्ति रहते हैं उनके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो एक अजाक थाना अलग बना हुआ है, ठीक। अजाक थाना जो है वो डाकवाड़ी में है, नया थाना अभी ट्रैफिक के पीछे एक नया बना हुआ है। ये 2 थाने हो गए आने वाले समय में। और अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि एक साइबर थाना खुलने वाला है हर ज़िले में। क्या खुलने वाला है? जितने भी आप बता रहे हो ना साइबर से संबंधित चीज़ें, फिर वहाँ वो रजिस्टर होगी, नॉर्मल थाने में भी होगी और साइबर थाने पे भी होगी। बड़े बड़े जो शहर है, भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, यहाँ पर साइबर थाने खुले हुए हैं, साइबर से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स आती है वहाँ पर दर्ज होती है। अब साइबर क्राइम, आप आज घर जाना YouTube पे सर्च करना कि साइबर से संबंधित कितने अपराध अभी ट्रेंड में हैं। जो गेमिंग की बात कर रहे हैं ना, ये गेमिंग का भी बहुत फ्रॉड चलता है। और आप लोग कभी ये नहीं करना कि मम्मी पापा का आपके पास भले ही डेबिट कार्ड भी हो, ATM कार्ड हो, सब कुछ हो, कभी भी ऐसे चीज़ों पे उनका ना तो पिन इस्तेमाल करो, ना CVC नंबर इस्तेमाल करो, ना ही किसी जगह पे, किसी पोर्टल पे या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में उसको इंटर करो। सबको पता रहता है आजकल बच्चे, सबको पता है कि मम्मी पापा का ATM कार्ड नंबर क्या है, सब पता है। और ठीक है, जिसको नहीं पता वेल एंड गुड, जिसको पता है आप ये बिल्कुल भी ना करें कि उनका आप जो नंबर है, पिन नंबर, CVC नंबर, किसी गेमिंग एप्लीकेशन के लिए या किसी चीज़ को खरीद, क्योंकि ये सब घटनाएँ हो चुकी हैं और फिर उसके प्रभाव नेगेटिव आते हैं। अभी कुछ साल पहले एक गेम चला था ब्लू वेल करके, कितने लोगों ने देख सुना है? अरे वाह, वेरी गुड। ब्लू वेल एक ऐसा गेम था जो कि सुसाइड करने की ओर ले जाता था। सभी को पता है? नहीं, जिसको नहीं पता वो जिसको पता है उससे पूछना, या आज जाके YouTube में चलाते हो YouTube, ये सब सर्च करना, ठीक है, अब ये बाद में करना, अभी नहीं। तो ये सब चीज़ें, इनके दुष्परिणाम भी बहुत है। आपके घर में या रिश्तेदारों में कहीं पे भी अगर लगता है कि किसी ने कॉल किया, हमारे अकाउंट से पैसा चला गया,
तो आप सबसे पहले थाने जाने से भी पहले ये जो नंबर है इसको याद कर लो, 1930। ये किसका नंबर है? ये टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। सबसे पहले इस नंबर पे आपकी शिकायत आपको दर्ज करनी है। इससे क्या होगा, जब आप इस पे कंप्लेंट दर्ज करोगे तो जो आपका अकाउंट से पैसा कटा है और जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने उसमें देरी की कि आपने इधर फ़ोन लगाया उधर फ़ोन लगाया और हम पूछ ही रहे हैं, तो उसमें फिर आपका पैसा आपको रिट्रीव मतलब पैसा वापस नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, किसी के भी साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है कहाँ दर्ज करनी शिकायत? हाँ, साइबर क्राइम का ये हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर अभी इतने सारे साइबर क्राइम के शिकायतें आ रही हैं कि ये नंबर अधिकतर व्यस्त मिलता है, क्या मिलता है? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टिंग हो रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ये सेंट्रल का नंबर है। तो एक हमारा पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, सबको नेट चलाना आता है, उसमें आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, ठीक है। और ये बातें आपको घर पे जाके आपके दोस्तों को भी बतानी है, परिवार में भी बताना है और सबको बताना है। बताओगे? यस सर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मोबाइल आप लोग चला रहे हो, मम्मी पापा भी चलाते हैं। कई बार होता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं जिससे पैसे हमारे कट जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक APK फोल्डर होता है, ठीक है। आजकल शादियों का समय है, इनविटेशन के नाम पे APK फोल्डर आपके WhatsApp पे आते हैं। अगर आपने उस फोल्डर को ओपन भी किया, इसका मतलब ये कि साइबर फ्रॉड करने वाले के पास आपके पूरा मोबाइल का एक्सेस हो जाएगा। आप किससे चैट कर रहे हैं, आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ कितनी हैं, क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप क्या सर्च कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा सामने वाले। गंभीरता समझ रहे हो साइबर क्राइम की? ये आप लोग, हम ये साइबर का लेक्चर हमारा इतना 5 मिनट का नहीं रहता है। साइबर में यहाँ बुरहानपुर में इतने बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं कि लोग इसमें फंसते ही चले जाते हैं और फिर उनका पैसा, ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट से कटा और सामने वाले के अकाउंट में ही पैसा ठहरा रहा होगा, ऐसा नहीं। साइबर फ्रॉड करने वाले आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी आज की ही न्यूज़ है, ये दैनिक भास्कर में आई है कि 5 मिनट में 150 अकाउंट में पैसा चला गया। तो ये साइबर के बारे में पेपर में आता है, वो पढ़िए आप लोग। तो ये चीज़ें हैं साइबर से रिलेटेड। बेसिकली यही है कि अगर आपके, सबसे पहले तो अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो कि आपको संदिग्ध लग रही है। तीसरा, कई बार ऐसे हमें एप्लीकेशन मिलती जुलती मिल जाती है जो ओरिजिनल जैसे दिखती है, ये सबसे पहले वेरीफाई करें। और अगर आपके साथ साइबर क्राइम घट भी जाता है तो 1930 पे कॉल करना है या नेशनल साइबर क्राइम में रिपोर्टिंग पोर्टल में आपको अपनी शिकायत इंद्राज करनी है। क्लियर है? ठीक। अब सब इंस्पेक्टर मैडम जो है 2 मिनट के लिए आपको कुछ चीज़ें बताएगी जेंडर बेस्ड हिंसा के बारे में, उसके बाद हम फिर रैपअप करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत अच्छी जानकारी CSP साहब ने साइबर सेल से दुर्गेश ने दी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लिंग भेद जो होता है, लड़का लड़की एक समान है, लड़की अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और यदि आपके साथ कोई घटना होती है, छोटी भी घटना होती है, तो उसको छुपाएं नहीं,
उसको अपने टीचर से शेयर करें, अपने मम्मी पापा से शेयर करें, और अगर आप इनसे नहीं शेयर करते आप थाने आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ओपन नहीं हो तो आपका नाम ओपन नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है बच्चियों के साथ, कोई भी छेड़छाड़ कर लेता है रास्ते में, स्कूल आते टाइम पीछा करता है, तो लड़कियां बता नहीं पाती, ये सोचती मन में कि अपनी बदनामी होगी या मम्मी पापा स्कूल से छुड़ा देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप थाने आ सकते हो। बालिका और महिलाओं की रिपोर्ट महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जाती है, जेंट्स अधिकारी नहीं लिखते हैं, और बंद कमरे में अंदर रूम में उससे पूछताछ की जाती है। यदि आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और उस आरोपी को सज़ा मिलना चाहिए तो पुलिस अपने हिसाब से उस व्यक्ति पर कार्रवाई करती है और आपका नाम नहीं आता है। तो इस अपराध को रोकने के लिए आम जनता जब तक पुलिस की मदद नहीं करेगी, महिला और बालिकाओं पर जो हिंसा और अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि बालिका और महिलाएं बदनामी से डरती हैं और इसलिए वो अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं और वो अपराध करने का आदी हो जाता है, अपराध करते जाता है। तो इसके लिए अगर छोटी सी भी बात होती है, अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो उसको उठाया शेयर मत करिए, उस पर बात मत करिए। अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसके खिलाफ़ आप आवेदन दे दीजिए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, और ये घटना आपकी स्कूल में भी हो सकती है, आपके साथ के ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं, तो आप इसको छुपाइए मत। एक बार मौका देते हैं, अगर बच्चे कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उसको समझाइश देते हैं। जैसे अभी आपने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति पहले झूठी रिपोर्ट करने चला गया तो उसकी FIR नहीं होती, लिखित में आवेदन लेते हैं, उसके कथन लेते हैं, जिसके खिलाफ़ उसने रिपोर्ट की है या सूचना दी है उसको भी बुलाते हैं, फिर दोनों के कथन ले लेते हैं, फिर आमने सामने बात करते हैं, तो फिर एक बार समझाइश देते हैं। बच्चों के मैटर में क्योंकि FIR नहीं होती, क्योंकि लाइफ ख़राब हो जाएगी अगर FIR हो जाएगी, तो इसलिए अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी घटना होती तो उसको छुपाइए मत, वो बड़ा रूप ले लेती है। फिर बाद में क्या होता है, 376 कायम होता है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है, या फिर बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं उस बात को छुपाकर। जो अपराधी है उसका कुछ भी नहीं जाता है, आपके मम्मी पापा परेशान होते हैं, और ज़्यादातर लड़की हो या महिला उसको बदनाम किया जाता है कि लड़की गलत थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अगर ऐसी कोई घटना होती है या आपकी फ्रेंड के साथ होती है, यदि उसने आपसे ये बात शेयर की है तो आप उसको थाने आने की सलाह दीजिए कि आप थाने जाइए, आपका नाम नहीं होगा, वो सामने वाले पे कार्रवाई होगी। इस बारे में अगर कोई और पूछना चाहता तो पूछिए। अभी मैडम ने बताया ना कि शिकायत करनी है इस टाइप से। अभी हमारे यहाँ शिकारपुरा में, शिकारपुरा थाना है, वहाँ पर एक केस हुआ है स्कूल के बच्चों में से ही। आपकी स्कूल अच्छी है कि अभी तक हमारे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। बुरहानपुर के ही एक, नाम नहीं बताऊँगा, उस स्कूल से एक शिकायत आई थी कुछ बच्चों ने, जैसे सर ने बताया था कि फ़ोटोज़ को मर्क किया जाता है, मर्क मतलब उसको चेंज कर देना। कुछ बच्चों ने क्या किया कि एक स्कूल की बच्ची अपनी स्कूल की जो भी क्लासमेट थी या जो स्कूल की स्टूडेंट थी उसका फ़ोटो लिया उन्होंने, उस फोटो को न्यूड एडिट किया और आपस में लड़के, बॉयज़ लड़के आपस में ग्रुप में शेयर करने लगे। तो इस प्रकार की भी अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स आती है, कोई डिटेल आती है कि कहीं कोई फ़ोटो आपका वायरल किया जा रहा है या वीडियो वायरल किया जा रहा है या फ़ोटो कैप्चर करके उसको गलत एडिट किया जा रहा है, उस संबंध में भी शिकायत आपको करनी है, ठीक है। और इसमें शिकायत में आपको शर्माना नहीं है कि ऐसा कुछ वायरल हो गया मेरा, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना है, टीचर्स को इन्फॉर्म करना है, अगर ऐसा है तो महिला टीचर्स को इन्फॉर्म करना है, और थाने पर जा कर के इसकी रिपोर्ट करनी है, और बाकी सभी लोगों को इस चीज़ से अवेयर रहना होगा। क्योंकि इस केस में आपस में बिठा के समझाया नहीं गया है, शिकारपुरा का जो उस ग्रुप के जितने लड़के थे सभी पर FIR हुई है और सभी जेल में हैं। तो इस टाइप के अगर आप किसी ग्रुप में हैं जहाँ पर इस टाइप की गलत चीज़ें शेयर की जा रही है तो आप उसकी रिपोर्ट कीजिए, और आप सबसे पहले उस ग्रुप से बाहर होइए। ये फिज़िकली भी और वर्चुअली भी, अगर आपको फिज़िकली भी कोई परेशान कर रहा है तो करनी ही है, लेकिन अगर इस टाइप से सोशल मीडिया पर कुछ गलत वायरल हो रहा है आपके खिलाफ़ तो इसकी शिकायत करनी है। और अगर इस प्रकार से कोई संलिप्त है तो आप रिपोर्ट करें और सबसे पहले इन सब चीज़ों से बाहर हो। मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये सारी चीज़ें डिजिटल है, इसमें झुठलाया नहीं जा सकता कि ये मेरा फ़ोन नहीं है या मैंने नहीं किया है। सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स अवेलेबल होते हैं, आपको सजा होके ही रहेगी। तो ये अभी का ताज़ा ही केस है, इसलिए मैंने आपको बताया। अपने आसपास भी इन सब चीज़ों से सभी को अवेयर कीजिए और आप खुद भी अवेयर रहिए। थैंक
थैंक यू सर हमारे स्टूडेंट्स को ये सारी जानकारी देने के लिए। अब कार्यक्रम के समापन के लिए वोट फॉर थैंक्स के लिए मैं प्रिंसिपल सर को बुलाऊंगा। थैंक यू सीएसपी सर, गौरव पाटिल सर। सर ने आपको जो करियर गाइडेंस दिया, आपको 0 to 1 की कहानी सुनाई कि किस तरह से संघर्ष कर, अगर आपके अंदर है पैशन है, एक पागलपन, एक जुनून है, तो आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो या आपके कम नंबर आ रहे हैं या परसेंटेज कम आ रहे हैं, तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। आपके अंदर का भी जुनून है तो आप ज़िंदगी में डेफिनेटली कामयाब होंगे। गौरव सर और सईदा मैम और दुर्गेश सर की सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा। और लास्ट में जिस तरह से मैंने प्रैक्टिकल स्कूल को स्टार्ट किया है 2007 में, स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि आप पागलपन लगा रखा है सर ने, कि पुलिस बनना है बच्चे को तो थाने की विजिट करवा लेता था, स्टेशन पे कोई बच्चा क्लर्क बनना चाहता है, टीटी बनना चाहता तो वहाँ लेकर चले जाया करता था, तो बोलते थे कि आप पागलपन लगा रखा है इसने, ये अलग ही चलता रहता है। लेकिन आज वो पागलपन यहाँ तक पहुँचा है कि सीएसपी सर आए और मेरी जर्नी को देखा और आपको सबको सुनाया, सिखाया, बताया। एक्चुअल में बेटा फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा जो भी अधिकारी है प्रशासन के, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा आपको इस तरह से गाइड करते रहेंगे अपना कीमती समय निकाल कर, ताकि आप जिंदगी में लाइफ में काम करें। थैंक यू।